तो हेलो मर्डर फैमिली दोस्तों, अगर आप भी हीरो की करिश्मा के फैन हैं तो आपके लिए हीरो की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल कर आई है। हीरो मोटर कॉर्प अब बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी करिश्मा को रीलॉन्च करने वाला है। एक समय था जब हीरो की करिश्मा इंडिया में सभी के दिलों पे राज किया करती थी, लेकिन किसी कारण की वजह से इस बाइक को इंडिया में डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था। अब हीरो मोटर कॉर्प इस बाइक को नए लुक के साथ, नए फीचर के साथ और नए परफॉर्मेंस के साथ इस बाइक को इंडिया में रीलॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस बाइक के लुक आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे और ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकती है, इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको इंडिया में कितना देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हीरो की तरफ से आने वाली हीरो करिश्मा एक फुल फेयरिंग स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक होने वाली है, जो बिल्कुल नए मॉडल लुक के साथ और नए फीचर के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बाइक के लुक के बारे में बात करें तो बाइक के जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाइक में आपको बिल्कुल नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फीचर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो भी आपको कम्प्लीटली LED में ही देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के रेयर में बहुत ही खूबसूरत LED टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। बाइक में डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि TFT डिस्प्ले के साथ आएगा और कलरफुल मीटर कंसोल होने वाला है। ओवरऑल बाइक में बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4-बॉल BS7 इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि OBD2 सेंसर के साथ आएगा और बाइक में आपको E20 टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस बाइक को एक काफी अच्छी ब्रेकिंग का सेटअप प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों, बाइक के जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज्यादा आपको शानदार देखने के लिए मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने के साथ ही तहलका मचाने वाली है, क्योंकि इस बाइक के जितने भी कंपटीटर हैं वो इस बाइक को कंपटीट नहीं कर पाएंगे। इस बाइक के जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन होगा वो होगा बजाज की RS 200 से और यामा की R15 से। यह बाइक इन दोनों ही बाइक को बहुत ही आसानी से बीट कर देगी, क्योंकि बाइक में आपको बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनली, अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें, इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1.5 लाख से 1,80,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक एंड ऑफ द ईयर में लॉन्च हो सकती है। अभी तक इस बाइक का इंडिया में ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, तो आप इस बाइक का इंडिया में लॉन्च होने का इंतजार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये बाइक आपको कैसी लगी, आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।